हो गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त की सामने आ रही है, जहां नीट परीक्षा को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी हुई। एनटीए की ट्रांसफर अर्जी पर भी नोटिस जारी किया गया है और सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए और केंद्र को नोटिस जारी किया है। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको नीट परीक्षा को लेकर बता रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए और केंद्र से 2 हफ्ते में जवाब मांगा है। ये बड़ी खबर इस वक्त की सामने आ रही है और साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने सभी याचिकाओं को संबद्ध कर दिया है। नीट परीक्षा मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी हो चुकी है। अब इस मामले में 8 जुलाई को अगली सुनवाई होगी और सभी अर्जियों पर 8 जुलाई को ही अब सुनवाई की जाएगी। एनटीए और याचिकाकर्ताओं को भी आज नोटिस जारी किया गया है। ये बड़ी खबर सामने आ रही है, अब 8 जुलाई को इस मामले में अगली सुनवाई होनी है और एनटीए और याचिकाकर्ताओं को भी नोटिस जारी किया गया है। सीबीआई जांच की मांग पर भी सुनवाई आज हुई है। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने काउंसलिंग पर रोक से इनकार कर दिया है। ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां नीट परीक्षा मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी हो चुकी है, साथ ही एनटीए की ट्रांसफर अर्जी पर भी नोटिस जारी किया है। और आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए और केंद्र को नोटिस जारी किया है और 2 हफ्ते में जवाब भी मांगा है। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। नीट परीक्षा मामले को लेकर लगातार विवाद चल रहा था और सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है, जिसके बाद तमाम फैसले लिए गए हैं और सभी याचिकाओं को फिलहाल के लिए संबद्ध कर दिया है और अगली सुनवाई अब 8 जुलाई को होने वाली है और एनटीए और याचिकाकर्ताओं को भी आज नोटिस जारी किया गया है।